तो अपन बीएड करेंगे। 10वीं पेंसिल लो, 10वीं पेंसिल को शार्प करो, जो तो लेफ्ट वाला पोर्शन है ऐसे यहाँ पे हल्की हल्की सी ऐसे, बस इधर तक ही आ रही है और कुछ नहीं। इसके ऊपर जो जा रही है बीएड अपनी, उसमें क्या करना है, हल्के से मैकेनिकल पेंसिल से थोड़े बाल लगाने हैं यहाँ पे, बहुत हल्के हल्के तरीके से, कि बस थोड़े थोड़े जो बाहर जाते हुए दिख रहे हैं अपन को चेहरे से हल्के से। ये अपन को बहुत थोड़ा एक अच्छा लुक देता है रियलिस्टिक सा, कि कोई व्यक्ति ध्यान दे तो वो समझ में आता है कि हाँ हमने अटेंशन टू डिटेल दिया है। यहाँ आते हैं, लिप्स के नीचे देखो, लिप्स के नीचे बहुत डार्क नहीं भरना है, आराम आराम से करो, पीछे से छोटे छोटे लाते जाओ, थोड़ा गैप भी रखना बीच में, थोड़े से गैप में, ये नहीं होता कि एक स्ट्रोक यहाँ एक स्ट्रोक यहाँ, थोड़ा सा होता है कि हल्का हल्का दिखे बीच में। जैसे यहाँ देखो, ये बीच में डार्क है, फिर पैचेस हैं, फिर डार्क हैं, फिर पैचेस हैं, ऐसा बीच में डार्क, फिर थोड़े पैचेस, फिर बीच में डार्क, फिर थोड़े पैचेस, और फिर पीछे ऐसे हल्का सा। बियर्ड में दो ही तरीके से लगाने अपन को, एक ये बीच में नीचे आए हुए, और ऐसा नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर ले जाता कि लाइन बने, इसके थोड़े नीचे से ऐसे हल्के से ऊपर आते हुए। ओके तो उससे क्या होगा, अपन को बीच में जो गंदी सी लाइन बन जाती है वो नहीं बनेगी। तो यहां से धीरे धीरे बनाते हुए आएंगे अपन, थोड़े थोड़े स्ट्रोक्स, ऐसे नहीं कि सारे स्ट्रोक एक ही फ्लो में लाने, ऐसे यहाँ लाते जा रहे फ्लो, एक आध दो अपोजिट डायरेक्शन में ले जाओ, क्योंकि किसी की दाढ़ी एकदम सॉर्टेड नहीं रहती। और एक लाइन से चालू नहीं करने, कुछ थोड़े ऊपर से लाओ ऐसे कर, कुछ थोड़े नीचे से लाओ, ठीक है, ताकि जो बियर्ड है वो ऐसी नहीं लगे कि एक लाइन बन रही है। ये जो लाइन बन जाती है अपनी वो नहीं लानी है, थोड़े प्रेशर के साथ करो, क्योंकि ये यही लेयर है अपनी फाइनल। ये हुआ पोर्शन, अब जैसे ऊपर ऊपर नीचे है तो ये सेम बाल थोड़े से ऊपर जा रहे, कुछ बाल ज्यादा, कुछ थोड़े नीचे ही रह रहे ऐसे। ओके बहुत ज्यादा नहीं भरना, क्योंकि अपन मैकेनिकल पेंसिल से भी करेंगे अभी। ये हुआ, अब हल्के हल्के जो छोड़े चेहरे पे जा रहे वो मैकेनिकल पेंसिल उठाओ, और बहुत आराम आराम से हल्के हल्के बाल जो थोड़े थोड़े यहाँ पे कर्व होके आ रहे हैं वो इस तरीके से बना, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ भी करेंगे, यहां से क्यों कर रहे हैं अब अपन, क्योंकि फ्लो आ रहा है, यहाँ पे राइट फेसिंग कर्व थे, यहाँ पे लेफ्ट फेसिंग कर्व है, ये जिस तरीके से आ रहे हैं कर्व ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ फोल्ड हुए, इनको भी अपन ने थोड़े ऊपर कुछ थोड़े नीचे, बस एंड में क्या है इधर की तरफ कर्व डाल देंगे। बीच में क्या है, मिलेंगे कहाँ पे ये, यहाँ बीच में एक मार्किंग सी बना लो कि यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे राइट फेसिंग कर्व मिल रहे हैं ऐसे थोड़े। और पेंसिल हर टाइम शार्प रखना, और यहाँ से लेफ्ट फेसिंग कर्व आ रहे हैं, पेंसिल मूवमेंट भी ध्यान रखो, मैं पेंसिल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं कर रहा, मेरे डायरेक्शन ऐसे जैसे ये चल रहे हैं, फिर एक आध दो इधर पे आ गए, फिर इस तरीके से, समझ रहे हो, ये वाले जो डायरेक्शन भी आ रहे हैं जैसे क्रॉस करते हुए, फिर इस तरीके से फ्लो में जाते हुए लहर की तरह, तो ये भी है ऊपर जाते हुए। क्या है ऊपर जाते हुए, याद रखना यहाँ पे एकदम पैचेज हैं बीच बीच में, ये दिख रहे हैं ना अपन को, ये वी शेप ये है, इनका भी ध्यान रखना। ये जैसे मैंने यहाँ एक छोड़ा, फिर यहाँ पे एक छोड़ा, इस तरीके से थोड़े थोड़े ध्यान में रख के चलना है अपन को। इसलिए फोन पे खोल लो, ताकि एक एक बाल की डिटेल अच्छे तरीके से दिख जाए अपन को। ओके फिर क्या करना, कुछ नहीं, मैकेनिकल पेंसिल लो, हल्के हल्के स्ट्रोक्स जो ऊपर ऊपर आ रहे हैं, वो आ गए। तो इतने तरीके से जो अपना इतना पोर्शन होता है दाढ़ी का वो हो जाता है, ठीक है। तो इतना कर, तो यहाँ करते हैं अपन, इतना पोर्शन हुआ। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से हल्के हल्के थोड़े से बाहर की तरफ आएंगे, यहाँ पे एक कान वाले पोर्शन पे रहेंगे, एक बॉर्डर सी बना रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके नीचे से लाना है, क्या करना है, जैसे यहाँ से लेते हुए आए
यहाँ पे तो बालों से कनेक्ट होंगे, तो अभी मैं हल्के से लगा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है, पूरा भरना नहीं है, देख सकते हो इतने एरिया में है शेड डार्क बाल, बाकी ऊपर हल्के हल्के मैकेनिकल पेंसिल से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से नीचे नीचे आए, जो ऊपर ऊपर ऐसे गए, ये जो चेहरे का शेप यहाँ बनाया था सेम यहाँ पे है, नीचे की तरफ कर्व रहेंगे जॉ लाइन बनाते हुए, ऐसे बहुत भरना भी नहीं है, बहुत खाली भी नहीं छोड़ना है, सेम चीज यहाँ भी करेंगे, रैंडमली ले जाना है, ऐसे एक लाइन नहीं बननी चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करते हैं इस तरीके से, ऑन स्पॉट क्या कर सकते हैं, जैसे ये नीचे लाए इन्हीं को ऊपर भी ले जा सकते हैं हल्के हल्के, इस तरीके से देखो फेस की जो आउटलाइन है वो भी आ गई अच्छी तरीके से, बहुत लाइट नहीं करना बालों को, थोड़े प्रेशर के साथ बनाओ ताकि ये डार्क है, ठीक है। अब ऊपर ऊपर जो ले जा रहे हो बहुत केयरफुली ले जाना है, ऐसे भर भर के नहीं ले जाना है, कुछ थोड़े नीचे ही रहेंगे कुछ ऊपर तक जाएंगे, बीच में डार्क होने चाहिए बाल अच्छे तरीके से ये सारे। अब जो ऊपर ऊपर बाल हैं ये वाले, इनको क्या करना, मैकेनिकल पेंसिल से हल्के हल्के बाल रहते हैं, थोड़े से रेड कैंडी से भी लगाने हल्के एक दो, और ये अपना बियर्ड वाला पोर्शन हो जाता है। इसके बाद जैसे एक चीज करनी रहती है, अपन को ब्रश लेना है, ओके ब्रश लेके जहां जहां ब्रश अपन ने चलाया हल्का हल्का ब्रश ऐसे पुट करते जाओ, एकदम घिसना नहीं है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लाते जाओ, ओके हल्के से, एक जगह बैठे घिसना नहीं है, अपन कैसे किया ऐसे वर्टिकली चलाते जाओ, सबसे बेस्ट रहता है, जो बीच में एरिया भी फिल नहीं होते वो, और ये अपना हो जाता है। अभी अपन को बस ये हाईलाइट देना है यहाँ पे, ओके तो गो और देख लो, एक मिनट रुक जाना जरा, जैसे नोज पे दिया था हाईलाइट सेम चीज यहाँ पे भी है, कैसे, इस तरीके से डॉट 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 करते हुए, पोजिशन ध्यान रखना, उल्टी सीधी जगह कहीं नहीं कर दो, ऐसे आगे यहां से मोटा है थोड़ा पीछे, ऐसे आगे की तरफ जाते जाते ऐसे पॉइंटेड सा हो गया है, ओके इसके अब क्या करना है, कुछ नहीं, सराउंडिंग में ऐसे ब्रश चलाओ थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ, हल्का हल्का इस पे चलाया, थोड़ा भर गया जैसे ही, फिर से मैकेनिकल इरेजर से अपनी हल्का सा, अपन ने हाईलाइट दिया है इतना, और कुछ नहीं, इतने में अपना जो फेस का पूरा काम होता है वो कंप्लीट हो जाता है। अब बचती है सिर्फ हेयर की लेयर्स, तो देखो हेयर्स चढ़ाने हैं, हेयर्स के लिए क्या करो, थोड़ा ऐसे घुमा लो, ओके क्योंकि अपन पूरा कर्व करने वाले हैं, है ना, तो यहां पे ध्यान दो जो बीच में हाइलाइट्स आ रहे हैं, हाईलाइट वाला रीजन क्या हो जाता है ये लगभग लगभग यहाँ, इसे ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे बता रहा हूँ, तो जो बाल आ रहे हैं अपने, पहली बार तो इसे क्लियर साफ कर लो अच्छे तरीके से, ठीक है, क्योंकि अपने जो हाइलाइट्स हैं उनमें फिर अपन को ये वो नहीं दिखनी चाहिए लाइंस, ठीक है, तो हाईलाइट एक लगभग लगभग आइडिया होना चाहिए अपन को कि कहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है,
तो किस तरीके से आएंगे मैं एक पोर्शन करके बताता हूँ। जैसे पहली तो क्या करो, हल्के से बाल जो है चेहरे पे ले जाओ, ऐसे ये जो यहाँ दिख रहे हैं ना आते हुए, इस वाले पोर्शन में जो बाल आते हुए दिख रहे हैं अपन को, ये ऊपर ऊपर, तो ऊपर से हल्के से ये बाल लाओ, यहाँ से धीरे धीरे छोटे छोटे लाओ, यहाँ पूरे फेस पे नहीं लाना है अपन को, भर भर के थोड़े से ही लाना है, तो इस तरीके से आएंगे। ओके, ऐसे धीरे धीरे यहाँ पे देखो एकदम टिप आ रही है, तो वो टिप थोड़ी सी नीचे लाएंगे, बाकी सब उनसे मिलते हुए लाएंगे यहाँ पे। जैसे मैंने बोला ना एकदम एक ही लाइन से नहीं लाना है, थोड़ा रैंडमली ऊपर नीचे करते हुए लाना है, ताकि वो मिलते जुलते से दिखे एंड में। इस तरीके से हल्के हल्के लाएंगे अपन। ओके, इतने ही काफी है, इससे ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे जो आ रहे हैं बाल, ये कैसे आ रहे हैं, ऐसे फ्लो फ्लो में नीचे की तरफ, ठीक है, ये थोड़े से यहाँ आगे की तरफ निकल रहे हैं जो, तो इन्हें बनाते हैं अपन। तो कैसे आए, ये कर्व आया और ये यहाँ ज्वाइन, फेस की जो एक आउटलाइन है हल्की सी दे दो, ताकि फेस के अंदर है शेड ना जाए अपना, और ऐसे कर्व करना स्टार्ट कर दो। इनमें तो कोई हाईलाइट है नहीं, तो इन्हें पूरी तरीके से अपन कर्व से भर सकते हैं, तो मैकेनिकल पेंसिल से पूरे तरीके से कर्व में भर दो। ओके, फिर ये वाला पोर्शन जो आता है, याद रखना ये छोटे छोटे कर्व्स का भी यहाँ पे जो ब्रेक हो रहे हैं, ये वाला पोर्शन, वरना अजीब दिखेंगे फिर ये। और ऐसा नहीं कि बीच में बहुत गैप छोड़ना है, कंटिन्यूस करते जाना है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्ट 10 भी लेयर करेंगे अपन। फिर ये जो बाल दिख रहे हैं यहां से उठते हुए गए, ये यहां से उठते हुए इन्हें ज्वाइन किया, तो ये वाला जो पोर्शन आ रहा है इसे पीछे से लाओ आगे की तरफ, थोड़े हल्के हल्के ऐसे बाहर निकाल दिए, पीछे से लाओ आगे की तरफ ऐसे। बस आगे एक चीज ध्यान रखना, बहुत ये वाइट एरिया नहीं छोड़ना अपन को, ऐसे ज्वाइन हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप सा आ रहा है, ये वाला जो गैप आ रहा है, इन चीजों का भी ध्यान रखना होता है। तो यहाँ से कर्व लेते हुए ये यहाँ कर्व्स ज्वाइन होंगे, तो कर्व बनाने के लिए थोड़ा घुमाते जाओ ऐसे। ओके, इस तरीके से कर्व बनाने के लिए थोड़ा घुमाते जाओ, और ये एक पोर्शन हो जाता है अपना, ठीक है, ये ऊपर का बसता है, तो वो भी करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को थोड़ा घुमा लो पूरा और पूरा 360 कहते हैं, ऐसे घुमाया, यहाँ ऐसे छोड़ दिया ऐसे। अभी अपन को ये वाला पोर्शन करना है, तो ये वाले पोर्शन को कंप्लीट करने के लिए स्ट्रोक्स लगाना चालू करें, देखो यहाँ पे जो पोर्शन आ रहा है इसमें हल्के हल्के कर्व आएंगे, ये पूरा एक कर्व्ड है, ये इस पे ज्वाइन हो रहा है, तो बीच का जो एरिया आता है ये खाली सा, इसमें बस हल्के हल्के शार्प कर्व्स भर दो और कुछ नहीं। ये जो बाहर की तरफ बिखर रहे हैं इन्हें भी पीछे से लाओ एकदम, ऐसा नहीं कि यहीं से लाना है, थोड़ा पीछे से लाओ, ताकि डेप्थ भी आ जाएगी और बीच में लाइन्स जो आती है वो भी नहीं। तो ये एक पोर्शन हो गया अपना, तो इतना करूं पहले। तो अब ये वाले पोर्शन पे आते हैं, तो यहाँ देखो बाल आ रहे हैं, ठीक है, ये हाईलाइट है। अब हाईलाइट एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऊपर नीचे है, तो कैसे करना है अपन को, स्ट्रोक्स लगाते जाओ ऐसे नीचे की तरफ, थोड़े ऊपर से कुछ नीचे से, कुछ थोड़े ऊपर से कुछ ऐसे नीचे से कंटिन्यूसली, ठीक है, इस तरीके से लगाते गए अपन, ये स्ट्रोक्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे ऊपर से आए, कुछ थोड़े नीचे रहे, ठीक है, कुछ थोड़े और ऊपर से आए, तो इस तरीके से स्ट्रोक्स आएंगे नीचे नीचे की तरफ,
ऐसा भी मत करना कि बहुत ज्यादा ऊपर से कर रहे एकदम ही नीचे से कर रहे, एक अप्रोक्सीमेट पोजीशन पे ध्यान दो इनकी। ठीक है, इस तरीके से अभी थोड़ा नीचे नीचे आते हुए सेम चीज यहां पे भी करेंगे इस वाले पोर्शन में। हल्के हल्के बाल फोरहेड पे आ सकते हैं, हल्के हल्के, बहुत ज्यादा नहीं, हल्के हल्के कर्व्ड रखना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ये। एक चीज ध्यान रखना सब लोग कि स्ट्रेट लाइन नहीं है ये, कर्व्ड है, पीछे की तरफ आते आते भी कर्व्ड ही रहेंगे ये। बहुत ज्यादा सी शेप भी नहीं बना देना, हल्के हल्के ही कर्व्ड है ये यहां आते हुए ऐसे। ये हुआ, अब इसको थोड़ा घुमा लो। ओके, इसको ऐसे घुमाया तो क्या करना होगा, अब अपन को यहां पीछे से स्ट्रोक्स लाने स्टार्ट करेंगे ऐसे। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा खाली छोड़ देंगे अपन, यहां से स्ट्रोक्स लाए, कुछ थोड़े नीचे चले गए इनको ज्वाइन कर रहे, कुछ ऊपर ही रह गए। ठीक है, इनको भी ऐसे ही बनाना है ऊपर, थोड़ा ऊपर नीचे, ताकि ये ऐसे लाइन पे नहीं दिखे कि एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है हाइलाइट्स अपनी। इस तरीके से धीरे धीरे कर्व आया, ठीक है, फिर कुछ लाइंस आ गई इधर, कुछ नीचे से ऊपर आई ज्वाइन होते हुए, हल्की हल्की, बहुत एकदम बारीक बारीक लाइंस लानी है अपन को। उसके लिए क्या करो, ऐसे स्ट्रोक्स जो है नीचे की तरफ भेजो, अभी पूरा नीचे नहीं ज्वाइन करना, ऐसे बस नीचे की तरफ टर्न कर दो इन्हें, अभी इधर पे छोड़ना इतना, ये पोर्शन कंप्लीट करता है तो ये यहाँ ज्वाइन होगा। अब क्या करो, हल्के से स्ट्रोक एकदम पीछे पकड़ो मैकेनिकल पेंसिल, बहुत बारीक बारीक बाल ऊपर तरफ लाओ, बहुत पतले और हल्के, और वैसे ही सेम तरीके से बहुत पतले और हल्के बाल नीचे की तरफ ले जाओ, तो हाईलाइट भी छूटा है और बाल भी बने हुए हैं, जैसे रियलिस्टिक लुक आता है। ठीक है, अब ऐसा ऐसे मत करना कि यहाँ पे बहुत मोटे मोटे एरिया स्ट्रैंड्स छोड़ो, एकदम शार्प छोड़ना, सेम चीज यहाँ पे भी एकदम शार्प स्ट्रोक्स लगाना है। ठीक है, ये किया, अब हल्के हल्के इनसे ऊपर की तरफ आएंगे और हल्के हल्के ऐसे नीचे की तरफ जाएंगे, ये वाले पोर्शन में भी यही रहेगा, इसे जो शेप आ रहा है बस शेप मेंटेन होना चाहिए एंड में, इस तरीके से स्ट्रोक्स आ रहे हैं। ठीक है, यही सेम चीज अब ऊपर ऊपर आएगी, हल्के हल्के नीचे की तरफ जाएंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, बाल एकदम बने हुए नहीं है, तो हल्के हल्के थोड़े थोड़े बाल ऐसे बिखरे हुए से बना दो बाहर की तरफ, और ये अपने जो बालों का एक फर्स्ट लेयर रहती है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो इतना ठीक है।